तो दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 2015 का जैसे रिजल्ट आता है तो इससे पहले भी मैं असफलताएं झेल चुका था, क्योंकि इससे पहले भी 2008, 9 और 10 लगातार जो रिजल्ट मेरे आए थे उसमें मैं सफल नहीं हो सका था। तो मेरे मन में एक डर था कि क्या पता इसमें भी मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि रिजल्ट भी किस हिसाब से मैंने उसको देखा और किस हिसाब से मेरे सामने एक मतलब जो सक्सेस का एक फूल जो था वो कैसे खिला। तो जैसे रिजल्ट आता है 2015 का, तो इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि 2015 का रिजल्ट आता है उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा 2016 का मैं मेंस दे चुका था, 2017 का प्री मैं दे चुका था। तो 2015 के रिजल्ट के पहले जो रिजल्ट आए थे उसमें 2016 का रिजल्ट आता है मेंस का, जिसमें फिर मैं असफल हो जाता हूं। और उसके बाद 2000 थोड़े दिन के बाद फिर रिजल्ट प्री का आता है 2017 का, प्री में भी मेरा नहीं होता है। तो तीनों चांस जो मेरे सामने जो थे वो उसमें से दो मैं असफल हो चुका था। अब मेरे सामने सिर्फ एक ही चांस था 2015, और इसमें मैं बहुत घबराया हुआ था कि इसमें क्या मालूम होगा कि नहीं। तो एक मन को वो था विश्वास कि नहीं अब कुछ तो होगा, भगवान ने कुछ तो लिखा होगा जीवन में अपने। तो जैसे रिजल्ट आता है तो इसकी घटना जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ स्टूडेंट मेरे पास बैठे हुए थे और वो उस रिजल्ट को हम देखते हैं। जैसे हमें पता चलता है कि 2015 का रिजल्ट आया है, बड़ी घबराहट हो रही थी, बड़ी परेशानी थी मन में कि क्या मालूम क्या होगा, क्योंकि इसके पहले भी असफलताएं बहुत मिली थी, क्या पता इस बार भी असफल हो जाए। तो बड़ा मन में बड़ा दर्द था, दुख भी था, तकलीफ भी थी, पर मन को पत्थर रखा और बोला कि अब देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। तो पहले तो देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, उसके बाद भी हमने मोबाइल से रिजल्ट देखा। और सबसे पहले मैंने रिजल्ट को देखना शुरू किया तो स्टार्टिंग से जो सीरीज थी उसको मैंने देखना शुरू किया। तो जो भी दो तीन पोस्ट होती है, जैसे डीसी होती है या जो भी ऊपर की पोस्ट होती है, उसमें दो तीन पोस्ट मैंने जब देखी ऊपर की तो उस सीरीज में मेरा नाम नहीं था। तो मैं घबरा गया था कि क्या मालूम शायद नहीं हुआ, और मैंने अपने मन में ये सोच लिया कि शायद नहीं हुआ है। और मैं स्टूडेंट को एकदम से बोल दिया कि नहीं यार नहीं हुआ है मेरा, अब नहीं हुआ है। उसी समय मेरा एक स्टूडेंट बोलता है सर आपके नंबर मेंस में जो नंबर की लिस्ट होती है वो पहले से निकाल दी जाती है, तो उन्होंने देख लिया सर आपके नंबर बहुत अच्छे हैं और आप देखिए आराम से। मैंने कहा कि नहीं नहीं हुआ यार, अब मेरा मन नहीं है देखने का, आप लोग देख लीजिए। फिर उसके बाद फिर भी मैंने कहा कि चलो देख लेते हैं, मन में सोचा कि चलो नीचे तक देखते तो हैं। फिर उसके बाद मैं देखते देखते नीचे आया और वहां पर मुझे नाम मेरा मिलता है राजेंद्र सिंह सोलंकी। तो कुछ समय के लिए तो मेरी सांसें थम जाती है और मैं एकदम बिल्कुल वो होता हूं कि क्या ये सही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वेटिंग लिस्ट में नाम है। मुझे फिर भी विश्वास नहीं था कि अनुपूरक सूची में तो नहीं है, मैंने देखा मुख्य सूची में मेरा नाम था। और जैसे ही मैं उसको घुमा के फिर ऊपर के साइड पहुंचता हूं तो वहां पर बाल विकास परियोजना अधिकारी लिखा हुआ था। और इसी समय मुझे जो फीलिंग हुई थी वो मैं आपसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। शायद भगवान ने मुझे वो जगह दे दी है जहां से मैं अपनी जिंदगी की उड़ान फिर से शुरू कर सकता हूं। और इस जो ये स्टोरी है मेरी ये काफी स्ट्रगलफुल रही है, हर बात आप तक मैं नहीं पहुंचा पाया हूं, लेकिन जितना भी मैं बता सकता था मैंने आपको बताया है। और जो मेरा संघर्ष रहा है इसमें, जो कुछ भी मैं आज यहाँ पर पहुंचा हूँ इसमें गुरुजनों का आशीर्वाद रहा है। और इस सक्सेस के पीछे मैं जो अपना श्रेय देना चाहूंगा वैद्य सर को देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे समय समय पर मोटिवेशन दिया, मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। जब भी मैं दुखी होता था सर से संपर्क करता था, सर हमेशा बोलते थे कि बेटा तुम्हें कुछ करना है, क्या कर रहे हो तुम, करो तैयारी, जो भी मदद चाहिए मैं करने को तैयार हूँ। और मैं सर से मदद लेता रहा, सर ने हमेशा मेरी मदद की। और मैं ये भी आपको कहना चाहूंगा कि जो पीटीसी संस्थान है वहां पर भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर भी सर सबको सेवाएं दे रहे हैं, कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और कई दिव्यांग बच्चों को सर ने जो है आगे बढ़ाया है और बहुत सारे बच्चे सर के सिलेक्ट भी हुए हैं। आज मैं जिस मुकाम पर पहुंचा हूं इसका संपूर्ण श्रेय सर को है और मैं सर का आभारी रहूंगा कि इसी प्रकार से वो समाज की मदद करते रहें। और मैं समाज के उस वर्ग से विशेष कर कहना चाहूंगा जो चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, जिनके पास परेशानी है, प्रॉब्लम है, वो एक बार सर से संपर्क जरूर करें। मुझे लगता है कि आपके जीवन की जो निराशाएं हैं वो दूर होगी और आप आपकी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगा, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद राजन। साथियों ये सुनिए आपने मेरे एक होनहार विद्यार्थी राजेंद्र की सक्सेस स्टोरी। इस सक्सेस स्टोरी को यहाँ पोस्ट करने का उद्देश्य मुझे स्वयं को महिमा मंडित करवाना नहीं था, मेरा उद्देश्य था कि राजेंद्र की इस कहानी को सुनकर के मध्य प्रदेश के वे हजारों दिव्यांग छात्र जो अपने आप को सदैव अशक्त और कमजोर महसूस करते हैं वे ऊर्जावान हों, और वे भी एक परिकल्पना करें कि जैसे राजेंद्र एक बड़े पद को प्राप्त कर सकता है,
वे भी जीवन में ऊंचे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम लोग शिक्षक हैं और हम विद्यार्थियों को सिखाते हैं, लेकिन ये दिव्यांग विद्यार्थी, इन्हें हम नहीं सिखा पाते, ये हमें सिखा के चले जाते हैं। इनकी सफलताओं को देख करके हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसे राजेंद्र ही नहीं, मेरे एक और विद्यार्थी जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा, संजय यादव, जिन्होंने दूसरे प्रयास में, दिव्यांग हैं, नेत्रहीन हैं, दूसरे प्रयास में उन्होंने नायब तहसीलदार का पद हासिल किया। तो साथियों, इनकी कहानी से आप प्रेरणा प्राप्त करें और जीवन में सतत आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित रहें। जय हिंद, जय भारत।